शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ नागपुर में कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए कोरोना की जनजागृति करने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात काम कर रही है। ऐसे में पुलिस को कोई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय द्वारा किए जा रहे कामकाज काफी सराहनीय है। ऐसे में पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने आइए डालते हैं एक नजर। दर्शक नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय उनके चैम्बर में आई, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे किस तरह से शहर का माहौल चल रहा है। सर, ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से पुलिस अपने दिन रात जो सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे भी देखने में आया कि कई पुलिस वाले भी काफी प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए और शहर को तरोताजा रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात ऐसी है कि अभी लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं और लोग रोड के बाहर आ गए हैं, लेकिन यह भी समझने की बात है कि अभी अपने यहाँ पेशेंट बढ़ रहे हैं, शहर में बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, और अभी संकट और धीरे धीरे कठिन होते जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आप एक तो आवश्यक हो तब घर के बाहर निकलिए, एसेंशियल काम के लिए, इमरजेंसी के लिए बाहर निकलिए, नहीं तो घर में रहिए। दूसरी बात है, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, बिना मास्क के बाहर मत आइए। तीसरी बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कहीं पे भी जाते हैं तो कम से कम एक मीटर का डिस्टेंस रखिए। और चौथी बात है कि आप हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, हाथ धोइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बीमारी और बढ़ सकती है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज तक हम लोगों ने, पब्लिक ने, पुलिस ने, सारे प्रशासन ने, कॉरपोरेशन ने, रेवेन्यू ने, सब ने मेहनत करके अपने नागपुर शहर को बचाया है। तो आगे इसको बचाने के लिए जरूरत है कि इन तीन चार चीज़ों का पालन करें ताकि इस बीमारी को हम रोक सकें और अपने शहर को सुरक्षित रख सकें। सर, जिस प्रकार से एक देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी तरफ एक सन्नाटा सा था, यातायात ज़्यादा नहीं थी, मगर अब लॉकडाउन को जिस प्रकार से शिथिलता सरकार की ओर से की गई और यातायात के बारे में देखें बताना चाहे तो लोगों का आवागमन खूब बढ़ा है और जो वाहन है वो भी बड़े पैमाने पर आए हुए, ऐसे के ऐसे में शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है, क्योंकि लोग पिछले दो तीन महीने से घरों में, तो लोग यातायात के नियमों को भूल गए हैं, यानी रेड सिग्नल में लोग निकल रहे हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ऐसे में शहर के उन नागरिकों के लिए क्या कहना? हम यही आह्वान कर रहे हैं कि आप जब भी चलते हैं तो नियम का पालन करें, आप गाड़ी में ज्यादा लोग ना बैठे, एक आदमी पीछे बैठे, एक आगे बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहने, और जहां पे जरूरत हो वहां पे भीड़ ना करें। 5-10 मिनट ज्यादा लग सकता है लेकिन आप वेट करें, अगर ऐसा करेंगे तो हमको सुविधा होगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। सर, हाल ही में नागपुर के सेंट्रल जेल से या पूरे महाराष्ट्र के जेल से जो कुछ पैरल पे जो कैदी लोग छोड़े गए थे, क्या आपको लगता है कि वो कैदी पैरल पे तो छूट चुके, क्या भविष्य में उनके और से कुछ ऐसी घटना होने की संभावना है, क्या वे अच्छे नागरिक बन के बाहर निकल के आ रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम यहाँ पे तैयारी किए हुए, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उन पर ध्यान रख रहे हैं, और हमको लगा कि अगर ये खतरा बनते हैं समाज के लिए तो उनको फिर हम पकड़ के जेल भेजेंगे। सर, नागपुर में कल शांतिनगर का साईनगर में कल 8वां मर्डर हुआ है, यानी शहर में जो हत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सर देखिए, अगर आप पिछले साल और इस साल का अगर फिगर देखें तो इस साल अपने यहाँ टोटल जो मर्डर का केस है वो 10 केस कम हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल तक या मई तक लास्ट ईयर का फिगर देखें, अभी फिगर देखें, तो अपने यहाँ टोटल 28% क्राइम कम हुआ है। और इस टाइप के जो लोग हैं जो इस टाइप घटनाएं कर सकते हैं तो हमारी नजर है, लेकिन ओवरऑल अपना जो क्राइम है वो 30% से ज्यादा कम हुआ है, और हमने सबको चेकिंग भी शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे इस टाइप घटनाएं ना हो। सर, एक मेरा सवाल ये था कि जैसे कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए, उसका संक्रमण रोकने के लिए, उसकी जन जागृति करने के लिए पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, जिलाधीश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मनपा के आयुक्त भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद लोगों में एक असमंजस की स्थिति है, दुकान खोले नहीं खोले, क्योंकि कुछ पुलिस वाले अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो वहीं मनपा के कुछ अधिकारी कर्मचारी उन्हें चालान करते हैं, यानी लोगों में ठीक तरह से दुकान खोलने के विषय में उनका कोऑर्डिनेट
बराबर वो हो नहीं रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहोगे? देखिए उसमें जो भी मनपा ने नियम निकाला है वो पूरा क्लियर है, उनकी वेबसाइट पे नियम है, पेपर में भी आया हुआ है, उसके हिसाब से अगर कोई दुकान खोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी को दिक्कत होता है तो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, अधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो दर्शकों आप थे हमारे साथ में नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ तमाम विषयों पर अपनी रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा है कि यातायात के नियमों का नागरिकों ने पालन करना होगा, लॉकडाउन के चलते भली शिथिलता मिली है, लोगों ने सैनिटाइजिंग हाथों में करना, मास्क लगाना बेहद जरूरी है और एक दूसरे को कॉपरेट करें तब कहीं कोरोना इस प्रादुर्भाव का संक्रमण की रोकथाम हो सकती है, नागरिक पुलिस को मदद करे और पुलिस भी नागरिकों को मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आए दिन नागपुर शहर की पुलिस आन बान शान के साथ काम कर रही है, जिसके चलते लोग भी एक अच्छी तरह से सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज नागपुर, नमस्कार।